डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की वर्षगांठ। आज ही के दिन यानी 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह की शुरुआत बंबई में हुई थी। यह विद्रोह HMIS तलवार के 1109 सैनिकों द्वारा किया गया था। नौसैनिकों ने भोजन की खराब गुणवत्ता और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। एक नौसैनिक केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया। यह विद्रोह तेजी से बॉम्बे बंदरगाह पर अन्य जहाजों पर भी फैल गया। इन जहाजों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए गए। इस विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विद्रोहियों के लिए जनता का भारी समर्थन था। बंबई शहर में विशेषकर मजदूर वर्ग 22 फरवरी को एकजुटता के साथ हड़ताल पर चले गए। नौसैनिक केंद्रीय हड़ताल समिति द्वारा की गई मांगे निम्नलिखित हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कमांडर FM किंग पर दुर्व्यवहार और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के चलते कार्यवाही, भारतीय कर्मियों को ब्रिटिश कर्मियों के समान वेतन एवं भत्ते, नस्लीय भेदभाव की समाप्ति, इंडोनेशिया में तैनात भारतीय बलों की रिहाई और अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों के साथ बेहतर व्यवहार। वल्लभ भाई और जिन्ना के आश्वासन के बाद बॉम्बे में 23 फरवरी को नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश YouTube चैनल।